लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। ऐसे में जनता का मूड जो है वो बदलते भारत की तस्वीर को लेकर के अपना अलग ही बना हुआ है। काशी में आने वाली जनता से बात करेंगे इस बार के चुनाव में आखिर उनका मूड क्या है। देखिए, जो तीन बार आपकी सरकार हमारी बनी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, इन्होंने जो परिवर्तन लाया देश के लिए और हर तरह से, चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे GST लाए हों, या फिर अपने सांसदीय क्षेत्र से इन्होंने जो विकास किया, और जिस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य ने भारत जोड़ो उस समय हम चार मठों का स्थापना किया था, उनका एक तरह से पुनर्निर्माण और एक प्रकार से उसी दौर को दिखाते हुए आदिकाल को इन्होंने भी भारत को एक सूत्र में पिरोने की पूरी कोशिश की है, और हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ सफल भी हुआ है। जैसे अयोध्या का राम मंदिर और वाराणसी में, काशी में अपने काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, और जो विवादित स्थल है उसको भी बड़े आसानी से उन्होंने सुलझाया। यानी कि जो हमारा धर्मनिरपेक्ष देश रहा है उसमें कहीं से किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं आने दिया, और जो 370 का मुद्दा रहा हो या फिर और भी देश में जो जितनी भी विसंगतियाँ थीं सबको, अगर जो उलझा हुआ था उसको बड़े आसानी से सुलझाने की कोशिश किया, और फिर से चाह रहे हैं जो अभी बची खुची कसर रह गई है वो भी आने वाले दिनों में पूरी कर दी जाए। लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है कुछ रोक पाएगा इनको, ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तक तो नहीं दिख रहा है, और फ्यूचर में न जाने क्या होगा, अब तो सब लोग देख रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से देश में पूरे सड़कों का जाल बिछा, पूरा तमाम नई ट्रेनें शुरू हो गई जो मतलब, और रोजगार के भी तमाम अवसर मिले, प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया के बारे में बात किया कि लोग खुद से स्किल हो, पहले जा कर के जो है किसी न किसी रोजगार में खुद से शामिल, स्किल डेवलपमेंट तो किया लेकिन पेपर वर्क पे हुआ है, रोजगार अभी मिला नहीं, ये सच्चाई है थोड़ी सी। रोजगार पर भी वर्क करना, रोजगार पर पूरा अभी काम करना है, क्योंकि ये सब कागजी कार्रवाई हुई है, हम भी खुद देखे हैं और हम लोग भी शिक्षक हैं, और जहाँ तहाँ है दिख रहा है इस मामले में थोड़ा अभी पीछे रह गई है सरकार। देखिए, काशी पहले से भी धर्म और अध्यात्म और शिक्षा की नगरी रही है, और ये उसमें सोने पे सुहागा हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, तो हमारी अपेक्षाएं स्वाभाविक हैं और भी बढ़ जाती हैं और बढ़ी भी हैं। हम अगर पिछले सालों की तुलना की बात करें तो शैक्षणिक जगत में या पर्यटनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काशी का महत्व निसंदेह बढ़ा है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से बात किया जा रहा है कि आप लोग एक शिक्षित वर्ग से आते हैं, तो जिस तरीके से धार्मिक पर्यटन को बहुत तेजी से बढ़ावा मिला, चाहे जी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या अयोध्या हो या फिर उज्जैन का महाकाल, इससे लगता है कुछ रोजगार का सृजन वगैरह देखने को? जी बिल्कुल होगा, पर्यटन रोजगार का एक बड़ा साधन है और प्रमुख स्रोत भी है। मेरा मानना है कि जब से पिछले दो सालों से, जब से काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन हुआ है, तब से बनारस में लगभग 2.25 लाख लोग प्रतिदिन आते हैं, तो निसंदेह ये कहा जा सकता है कि 2 लाख लोगों के आने के कारण ढेर सारे लोगों की रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं वो बिक रही हैं और आर्थिक संसाधन यहाँ बढ़ रहे हैं। NEP को लेकर बहुत तेज़ी से सरकार ने काम जी है, तो इसको लगता है कि आने वाले समय में किस तरीके से बदलाव देखते हैं? ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है जो लगभग 20-25 सालों के बाद, ये आप कह लीजिए लंबे अंतराल के बाद, नई शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है और ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं, जैसे मातृभाषा को लेके, लैंग्वेज को लेके, और जो मूलभूत सुविधाएं बढ़ाकर विद्यार्थियों से आउटकम्स लेने की बात की जा रही है वो बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। लेफ्टिनेंट MS यादव, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट। जिस तरीके से 2024 का आगाज हो चुका है, प्रधानमंत्री मोदी फिर से यहाँ पे हैं, तो क्या देखते हैं, किस तरीके से आपके नज़र में क्या है? सर, ये तो काशी है, यहाँ पर पर्यटन का बहुत विकास हुआ है, और वैसे रोड, पर्यटन और काफ़ी नई शिक्षा नीति से काफ़ी प्रोग्रेस है बच्चों में। क्या लगता है कि देश में रोजगार को लेकर के क्या और होना चाहिए, क्योंकि रोजगार की बातें हो रही हैं, तो रोजगार को लेकर लगता है कुछ कमी है सरकार में? है, कुछ कमी है, सरकार भी कोशिश कर रही है उसको पूरा करने के लिए, और हो भी रहा है।
ये सिर्फ काशी की जनता नहीं थी बल्कि काशी में आने वाले तमाम वो पर्यटक हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर और माँ गंगा की आरती में शामिल होते हैं। उनका कहना है कि बनारस में जिस तरीके से बदलाव हुआ, ये सिर्फ बनारस का बदलाव नहीं है बल्कि जहाँ से उन्होंने दूरी काशी की तय की है, वहाँ से वो पूरे बदलते भारत की तस्वीर को देखते हुए आए हैं। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।